بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصدركم فأحسن صوركم وإليه المسير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والكرامة على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بلقاء اسم محمد. शख्स गुजरा जो उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी था, हमारी जुबान में बड़ा चौधरी। जब वो बाबा जी करीब से गुजरा तो हजरत मेहरबानी भाईजान आप मुस्कुराए चुके, आपको पता है कि मेरा अंदाज ऐसा कि बच्चे भी समझे, तो सरकार मूसा ने उसे देख के दर्स को रोका। बाबा जी दर्स रोकने के बाद सैयदादा उन्होंने मजमे को मुखातिब करके कहा कि ये जो बंदा जा रहा है लाकर साहब, ये जो बंदा जा रहा है चौधरी, इसे तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल, सरकार से कौन नहीं जानता, ये बड़ा बड़ा चौधरी बंदा है। सरकार से बताया कि मुझे वही के जरिए इन्फॉर्म किया गया है कि ये 3 दिन के बाद मर जाएगा। बाबा जी वो बंदा गुजरा, जब वो अपनी कोठी के करीब पहुंचा तो हजरत मूसा का सहाबी था, तो भाग के पहुंचा और भाग के उसने उसे सलाम किया। चल साहब। हाँ जी। कहा कि जनाब 3 दिन के बाद मरने वाले हैं, क्या ख्याल है आपका, कितना अच्छा लगा हुआ। ये क्या कह रहे हैं? मैं तेन किया क्या यार, खुदा आला ना ही बात हो शुरू हो गई, हुआ क्या है, कब 3 दिन के बाद मरने वाले हैं। बाबा जी सारे बोल रहे पहले लफ्ज पे। चौधरी कहता है मरने वाला मरना हक का रहा, ये बता तुझे किसने कहा? कहा उसी ने जो अल्लाह से कोहे तूर पे कलाम करता है। बाबा जी वो हैरान हो, कहता अच्छा हजरत मूसा ने कहा? वो तो जानता है कि हजरत मूसा वही कहते हैं जो वही के जरिए इतला दिलाते हैं। सैयदादा ये घर पहुंचा, सारे नौकर हाजिर हों, सारे मुलाजिम पेश हुए। मुंशी साहब कहाँ हैं? जी चौ साहब। कहा ये बताओ, मौला के मेहमान आते रहेंगे, अब देखिए, कहा ये बताओ कि मेरे गोदाम में गंदम और चावल का जखीरा कितना पड़ा है। बाबा जी उन्होंने कहा कि चोर साहब इन पिंडा के पिंड खान तो नहीं मुकदा। उसने कहा फिर ऐसा करो कि तुम राउंड बोर्ड के जितने गांव हैं उनके पकवान नाई बाबा जी, उसने कहा कि सारे पकवान इकट्ठे करो और हर मस्जिद में वक्त के मुताबिक जो भी ऐलान का तरीका था ऐलान करवा दो, जितना लंगर है जखीरा है उसे बाहर निकालो, 24 घंटे देगें पकनी चाहिए, 24 घंटे ऐलान करो कि जो जब आए उसे लंगर में ले लो। बाबा जी अगर मट्टी खाके शिफा है ना हुसैन की, तो हुसैन का जो लंगर है वो कम से कम मट्टी से तो अफजल है। जिसका बाबा जी अकीदा मेरे साथ मिले उसकी आवाज पाकीजा मेंबर तक आनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, मेहरबानी कीजिए तवज्जो इधर रखिएगा। क्या कहा? का 24 घंटे लंगर पाक जारी करो। शाह जी ऐलान हुआ भाईजान,
पकवान आए, आग जलनी शुरू हुई, सजदादा लंगर जारी और सारी हुआ। 7 दिन गुजर गए, लंगर भी चलता रहा, चौधरी भी बचा रहा। उसने देखा कि वो चोरी से आटा कट्टा है। सरकार ने मूसा को कहा था कि ये 3 तारीख के बाद ऊपर से इसके ऑर्डर आ चुके हैं। बाबा जी वो भागा हुआ वापस आया, बेटा बैठते ही भागा हुआ वापस आया, सरकार मेरी कोई तो नहीं है, मैं तो वो कहता हूँ जो वो कहता है। हाँ, उससे पूछता हूँ कि फैसले को बदला क्यों? वो कुल्ले शहर कदीरा, किसी की जरूरत है कि उसे कहे ऐनी दैन क्यों कहते? वो तो कुल्ले शहर कदीरा, मैं मूसा, मैं तो उसका मुलाजिम हूँ, मैं उसका खादिम हूँ, मैं उसका भेजा हुआ हूँ, मेरी कोई तोहीन नहीं। मैं उससे पूछता हूँ कि मालिक अब लोग मेरे बारे में क्या करेंगे? सरकारे मूसा ने बाबा जी 5, 12, 14 डायल किया, वही का सीजन सबके अल्लाह के हाथों में सलामत रखे। बाबा जी मैं किताबों से साबित कर सकता हूँ कि हर नबी का कोड यही था, 5, 12, 14 हर नबी का यही कोड था। सरकार ने वो कोड डायल किया, काल मिली, कहा मेरे मालिक लोग अब मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं, मैंने कहा था, और मैंने कब कहा था? वो तो तूने कहा था कि 3 दिन के बाद इसकी ऑर्डर जारी हो चुका, ये आ जाएगा। और वो 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वो हट्टा कट्टा जिंदा बैठा है। बाबा जी बंदा सैयद हो, बंदा शिया हो, लंगर हुसैन का खाता हो और जुमला खा जाए, हो नहीं सकता। 7 दिन हो गए वो जिंदा है। अल्लाह ने कहा मूसा काल बंद कर दे, उसकी बात ही छोड़, उसका कारोबार हमें पसंद आ गया। सबके नाम बाबा जी खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, सरकार बहुत शुक्रिया, शाजी मेहरबानी, उसका कारोबार बाबा जी हमें बिस्मिल्लाह सही दादा, सही दादा मेहरबानी। बाबा जी ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ना, ये किसी शिया किताब में नहीं है, सिर्फ 2-4 शिया किताबें होंगी, बाकी हमारे भाइयों की किताबों में ये वाक्य दर्ज है, जहाँ पे कौम बनी इसराइल के हालात दर्ज है, वहां पे हर मसलक ने इस वाक्य को लिखा। अब हमने इससे क्या नतीजा लेना है और कैसे हमने मुबाहला से मुतसिल होके कल से रब को जोड़ के आगे बढ़ना है? नतीजा बहुत ये निकला कि लंगर एक ऐसी ताकत है जो तयशुदा मौत को टाल देती है। ठीक है, अगर ठीक है तो मेरे साथ दीजिए। लंगर एक ऐसी ताकत है बाबा जी जो शादी तयशुदा मौत को सैयद टाल देती है। इसका मतलब है लंगर देख के जान बचाई जा सकती है ना। लो बाबा जी हुण वेखो तुहाडा पुत्र कित्थों कित्थे रल लगा ते मैनूं कल्या ना छड्या ते। बस फौरन वही आई और हुसैन के नाना पर, मेरे हबीब रिसालत को पहुंचा दे, रिसालत शादी रिसालत को पहुंचा दे। सरकार ने अपना घर छोड़ा, एक ऐसी हवेली की तरफ आए जो सरकार के लिए दिफाई हवेली थी, दिफाई बाबा जी दिफाई हवेली थी। उस पर दस्तक दी, एक बुजुर्ग निकले, वो बुजुर्ग ऐसे थे जैसे कोई शम्स होता है, जैसे सूरज होता है, सुर्ख चेहरा है, खूबसूरत नहीं नैनो नक्शे है। उस बुजुर्ग को देख के हुसैन के नाने ने कहा अस्सलाम वालेका या अम्मी, चचा मेरा सलाम हो, कद जाअनी मिनल अम्र, चचा वो वाला हुक्म आ गया, चचा मैंने रिसालत पहुंचानी है, मेरा पुत्र हाजिर है, मैं अबू तालिब, दस मंगना की है, करना क्या है? फरमाया चचा करना यही है, लंगर भी दे, डेरा भी दे। हाय हाय सबके दामा बाबा जी, मैं आपके हाथों को सलामत रखे जी सर दादा जी बाबा जी चचा हायी बाबा जी। मैंने नारा इसलिए डिमांड नहीं किया था क्योंकि आप लफ्ज पूरा होगा तो फिर आपका पुत्र खुद ही नारा लगवा देगा। नारा लगाना आपको पता है इबादत है, मैं लगाऊं या आप लगाएं, इबादत तो है मौला अली का नाम लेना, इबादत भी है, सुन्नत नबी नहीं सुन्नत अंबिया है। हर नबी ने अली को पुकारा है, हर नबी ने बाबा जी अली को पुकारा, इसलिए अली मौला को पुकारा तो वैसे सुन्नत अंबिया है, इसलिए मैं अभी नारा लगाऊंगा। लेकिन तवज्जो चचा वो कद जाअनी मिनल, ये सुनियों की वारदात, कद जाअनी मिनल अम्र, चचा वो हुक्म आ गया, वो रिसालत का हुक्म आ गया, अब मैंने तबलीगे रिसालत का फरीदा अंजाम देना शुरू करना है। मेरा पुत्र मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पर मैं चचा डेरा भी दे लंगर भी दे, डेरा भी दे लंगर भी दे, डेरा भी दे लंगर भी दे। बाबा जी अबू तालिब अलैहि सलाम ने डेरा भी दिया लंगर भी दिया, अब फिर मुझे सुनियों का वाक्या टच करके शिया सुनी तक सांझा पैगाम पहुंचाने दीजिए कि लंगर दे के जान बचाना और है, लंगर खिला के इस्लाम सारे
बड़ा सही है बाबा जी, मौला आपको सही है, अल्लाह आपका साया सलामत है। मेरे मोहतरम सामीन, अगर आप पांच पीर जो मुबाहला वाले हैं, अगर आप उनका तारुफ करना या सुनना चाहें तो ला मुहाला यानी किसी ना किसी तरह से मजबूरन आपको एक सैयद को अलहदा करना पड़ता है, चार को अलहदा। मैं मिसाल देता हूं, हाँ भाई मुबाहला में कौन कौन थे तो आपको कहना पड़ेगा एक रसूल थे, अब आपको चार सैयद अलग करने पड़ेंगे। एक रसूल की बेटी, एक रसूल के दामाद, दो रसूल के नवासे। रसूल इधर हो गए, बाकी चार। दूसरी मिसाल, एक मौला अली है, एक मौला अली के मौला है, एक मौला अली की जौजा है, दो मौला अली के बेटे हैं। मौला अली साइड पे हो गए, बाकी चार की तरफ। एक पाक बीबी है, एक पाक बीबी के शौहर है, एक पाक बीबी के बाबा है, दो पाक बीबी के बेटे हैं। इसका मतलब है कि जैसे वो कहता है ना कि यार जिन्हें भी करो कानून इधर फड़ना है, लाख विश्वकार ही होता है, यानी पंजाबी में यही कहते हैं, यानी जैसे भी आप करो जितनी भी मंतिक लड़ा लो, शायद एक सज्जद आपको तनहा करना पड़ता है, बाकी चार उससे जोड़ने पड़ते हैं। कितने कितने सज्जद बैठा उन्हें आवाज तो पता लगता है कि कहां कहां पाक जहरा का खून तशरीफ रमा है। अबू तालिब तेरी ज्योति पे दारैन कुर्बान, जब तुझसे तारुफ करवाया जाए ना फिर पांच इकट्ठे आते हैं। कैसे? ये मुबाहला में कौन थे? एक अबू तालिब का भतीजा है, एक अबू तालिब का बेटा है, एक अबू तालिब की बहू है, और बाबा जी दो अबू तालिब के पोते हैं। और मैदान ये क्या है बाबा जी, जिसे कुरान का, जिसे कल रात पूरे घंटे की गुफ्तगू, आपको पता मैंने एक घंटा 10-15 मिनट पहले छोड़ी थी, क्योंकि फदाइल लंबा, कुरान लंबा हो गया था, मैं पढ़ता जा रहा था। इन हाजा लाहवल कससुल हक, ये मैंने आखिर में कहा था, मैंने कहा था अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसे तुम मैदान में मुबाहला कहते हो, ये मैदान में मुबाहला नहीं, हक का मैदान है। दीजिए हसन हुसैन हक है, अबू तालिब पे सलाम जो हक का दादा है। सबके दामा बाबा जी, मेरा मौला अबू तालिब हैदर 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 बाबा जी, आपको तंदुरुस्ती दे। सरकार बाबा जी, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ ऐसे कलाम होते हैं जो मसलन एक मासूम के मुंह से जुमला निकलता है ना बाबा जी, उसकी बनावट इतनी सोनी होती है कि समझ आ जाती है कि ये कलाम इसका नहीं है, किसी और का होता है। इसी तरह जो कुरान की आयत है ना, इसकी बनावट बताती है कि ये खलाई मखलूक से कलाम आया है, बुलंदियों से आया है। कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे अल्फाज बाबा जी जुमले होते हैं कि जिसे सुन के बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है। 15 साल स्टडी में सैयद दादा इतना इल्मी और अदबी जुमला कम अज कम तुहाडे पुत्र के सीने च कोई नहीं जड़ा हूं अख लगा। मेरे मैंने बड़ा पढ़ा, जितना मुमकिन था मेरी आंख में ताकत थी या मेरे जिस्म में ताकत थी, मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हैं, लेकिन अभी मेरे सीने में कुछ भी नहीं आया। कोशिश बड़ी की है लेकिन 2-4 लफ्ज़ हैं, लेकिन जितने बाबा जी आए हैं ना उनमें से इतना बड़ा फिक्रा मेरे अभी तक सीने में मौजूद नहीं है। कौन है? हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम। बाबा जी मक्का के बदमाश, गुंडे, चोर, डकैत, जानी, शराबी, बेगैरत और बेहया मुतमईन होकर अपनी अमानतें जिसकी गोद में रखे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत गोद में रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। आज पहली मरतबा आखिर से बिल्कुल नारा है जी, दीवार के साथ है जी, भाई जी जैसे नारा लगाया ना हाथ उठाएगा जी, ऊंचा नारा है नरी। कौन है पाक शहीदों का पाक दादा? ताकि बच्चों के लिए तारुफ में मजीद, मेरे जो नौजवान भाई हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए तारुफ में एक रुख और हो जाए। कौन है पाक शहीदों का पाक दादा? मेरे मोहतरम सामने, हक ये बनता था कि जितना बड़ा नारा आया है, जाकरी टेक्निक ये है कि मैं एक मिनट आपको उलझाए रखूं,
कभी इधर चला जाऊं कभी इधर चला जाऊं ताकि एक मिनट गुजर जाए जाया हो जाए फिर मैं जुमला कहूं ताकि बड़ी बड़ी दाद आए। लेकिन चूंकि मेरे पीर बैठे हुए हैं मुझे आपकी समातों पर पूरा भरोसा है कि मैं आधे मिनट में भी बार बार जुमला कहूंगा तो इंशाल्लाह आपने जाया नहीं होने देना। आपकी समातों पर और आपके मयार पर भरोसा करते हुए पहले से बड़ा जुमला कहने लगा हूं, आराम से कहूंगा कौन है अबू तालिब। सवा लाख अंबिया जिसके आने पे खड़ा हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा जिसके आने पे खड़ा हो जाए उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा जिसके आने पे खड़ी हो जाए उसे मौला अली कहते हैं। और अली जिसके आने पे खड़े अबू तालिब कहते हैं। बाबा जी मौला आपके हाथों में सलामत रखे। मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा, मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, मैंने आपके सामने जनाबे मूसा का तज़किरा, मैंने जनाब के सामने दो अदबी जुमले पढ़े। अब ये इस लिहाज से गुफ्तगू जरा थोड़ा ऊपर हो गई, सताई मुमी से बुलंद हो गई, क्योंकि सारे सही तो नहीं है, कुछ सईदों को मानने वाले बैठे हुए हैं जो मेरी तरह जरा थोड़ा पड़े हुए हैं, अब जरा उनको शामिल करना है। मैंने दो चार सादी बातें करके, जितनी मैंने अभी पांच बातें मुश्किल किया ना, अब जरा बिल्कुल नीचे गिर के लोकल लेवल पे बच्चों को समझाने लगाऊं कि जनाबे अबू तालिब कौन है। बाबा जी अगर आपने देखना होगा कि कोई बंदा कितना अमीर है, सैयदादा आप उसके घर को ना देखें, गाड़ी को ना देखें, आसान तरीन जुमला आप ये देखें कि उसके बच्चे कैसे खिलौनों से खेलते हैं, आपको नगा हो जाए कि ये बंदा क्या होगा। हमारे शादी कोट शाह में एक सैयदादे हैं, सैयद जुल्फकार नकवी, वो बाबा जी स्विट्जरलैंड होते हैं, और ये जो जश्न होता है ना शबान की दूसरी जुमेरात का, पूरा पाकिस्तान हमारे पास आता है। अगर आपके पास भी टाइम हो तो जरूर तशरीफ लाइएगा। मैं पूरी रात मोमिनों की सईदों की जूतियाँ सीधी करता हूँ पूरी रात। तो ये हम मिलकर करवाते हैं जश्न। उसके मेन हेड जो बानी है वो शादी है, जुल्फकार शादी का बेटा है बाबा जी तकरीबन कोई इतना होगा, उसका नाम मदर शाह है, बच्चा है हमारा, भतीजा भी है, पीर भी है। तो कोट शाह ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते हैं सारे सदातुल मोमिनीन इस शर्त के साथ कि कोट शाह के बाहर का बंदा नहीं आएगा, सारे अलीगढ़ वलीगढ़ वाले आपस में कभी कभी खेलते हैं। तो वो जो सैयद दादा ना बाबा जी मदर शाह, वो जुल्फकार शाह का बेटा, वो बहुत अमीर है, उसके हाथ में शादी होता है इतना बड़ा रिमोट बाबा जी, और वो हम तो पेंडू बंदे हैं, वो ऐसे ऐसे करता है ऊपर एक जहाज उठता है उसके इशारों पे, जिसे मेरे ख्याल आज के जबान में ड्रोन कहते हैं बाबा जी। उस ड्रोन के मत्थे पे कैमरा होता है, तो फिर वो हमारे बॉलिंग का बैटिंग का वो मुख्तलिफ पोज लेते हैं, तो हम खेलते खेलते शाह उसे भी देखते हैं कि वो कभी ऐसे ही जाता है, कभी जैसे वो करता है ना बाबा जी ऊपर ड्रोन वैसे हिलता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, पेंडू बंदे के लिए मामूली बात नहीं बाबा जी, वो काफी बुलंद तक भी जाता है। ये एक अमीर सैयद का बेटा है, जेडे साढ़े मस्किन के बच्चे होंगे वो आपके कागज का बना के बाबा जी ऐसा है जी। अमीर का बेटा कहता है बाबा पापा डैडी अबू मेरा जी चाहता है मैं कश्ती की सवारी करूँ, मुझे वजीराबाद चनाब के किनारे ले जाए, वहाँ बड़ी बड़ी फास्ट कश्तियाँ, मैं उसमें जुड़ा लूँगा। ठीक, तो जो मस्किन का होता है वो कागज़ की बना के दमबड़े में पानी लगा टप बाबा जी उसमें बैठता है खेलता रहता है, मेरे ये है तेरे ये है, इसका मतलब शादी ये हो। इससे गिर के मैं और क्या मिसाल दूंगा, हूँ मैं हद कर शरीर पेंडू बन दी, अब भी अगर बंदा को ना बोले उसकी मर्जी। इसका मतलब यह है कि शादी बच्चों के खेलने से अंदाज़ा होता है कि ये किस अमीर का बच्चा है, ये किस गरीब का बच्चा है। मेरे एक मोहतरम सामने आ रहे हैं, जैसे ही आके तशरीफ रखते हैं फिर मैं जुमला दोहरा के मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर हो गई इसलिए पिछले बाबा जी आप बैठिए, अब मैं जुमला कहता हूँ। इसका मतलब यह है भाई शाह जी सैयद पाक आप मुझे तनहा नहीं छोड़ना, मैं बेटा मैं जुमला कहने लगा, सारे सारे भाइयों ने नौजवान ने मेरा साथ देना है। इसका मतलब है बड़ी आसान सी मंतिक है, किसी तरह पिन कोड देख के एटीएम देख के और बैंक बैलेंस चेक करके ना देखो कि कौन किस पानी में। बाबा जी बच्चों से अंदाजा हो जाता है बच्चे किस किस खिलौने से खेलते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा ये किसी अमीर का बच्चा है या किसी गरीब का बच्चा है। ए अबू तालिब तेरी चुप्पी पे कायनात के अमीर कुर्बान करो, तू कायनात में वो वाहिद बाप है जिसके बच्चे या चांद से खेलते हैं या बाबा जी मौला आपके हाथों में सलामत रहो सरकार बहुत शुक्रिया बाबा जी पूरी कायनात में जी सके बाबा जी लुत्फ है बात का बाबा जी। फिर एक सलवात तो बनती है ना सईदों के पाक दादे के अदमत पे, एक बुलंद तरीन सलवात बनती है।
मौला आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामी, इसका मतलब यह है कि बच्चों के स्टेटस से बड़ों का स्टेटस मालूम हो जाता है कि ये घर किस मैार पे होगा। पापा जी अगला फिक्रा है वो भी इसी तरह का है कि जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना, कोई 70-80 साल के, वो इंशाल्लाह मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। बाकी हम कर दिए जो भाई नौजवान है, जो अभी नेट वाले हैं, भाई तुम तेज बंदे हो, मैं पिंड का बंदा वा, तो ये मेरे बाबे बैठे हैं। एक गल मैं इन्होंने करना, थोड़ी मर्जी। बाबा जी मुझे ये बताइए, पीर मुझे शादी है और बुजुर्ग हैं जो इसी एज के हैं, अल्लाह का साया सलामत रखे अपनी औलाद पे। बाबा जी मुझे ये, मैं तरह गिर के नीचे गिर के बच्चों को समझा रहा हूँ, मुझे ये बताइए बाबा जी कि अगर कोई बाबा जी शादी साइकिल पे जा रहे हैं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं, सुबह भी उठे जाते हैं, कोई एक शरारती बच्चा आता है शादी, उसके हाथ में इतनी छड़ी है, वो चलते हुए साइकिल के पहिए में वो छड़ी घुसा देता है, की ख्याल है बाबा जी? जो ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं वो बड़े स्टाइल से बैठे रहेंगे, छोटे बच्चे उसको आ रहे हैं, बेटा आपके ख्याल में क्या होगा? यानी वो हैंडल के ऊपर से बाबा जी, बाबा जी जैसे गिरेंगे ना, मेरे भाई पीर मैं कहना चला, जैसे वो बाबा गिरेगा, मैं शाहपुर पिंड का बंदा हूँ और आपका भी देहात है, और पिंड होने पे कभी बंदों को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। हदीसों में भी लिखा है कि पिंड वाले शहर वालों की नस्बत ज्यादा गैरतमंद है, इसलिए अपने पिंड होने पे इंसान को फख्र होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। भाई खुल के बताया करो, हमारा पिंड है, मेरा भी आपकी तरह बिल्कुल ऐसे पिंड है, सड़क से 1-2 किलोमीटर हट के मेरा वाला में रावली कैंट के सामने। तो बाबा जी मेरा ये ख्याल है, एज ए पेंडू मेरा ख्याल ये है कि बाबा गिरते ही पूछेगा एक खच दी खच किधर। बाबा जी अगर मैं कहूँ ना ये किसका बेटा है, तो इसमें मुझे लुत्फ नहीं आना, किधर खाते ज्यादा अच्छे, ये जेडी खच है। बाबा जी ये लफ्ज मुनासिब है, मेंबर के लिए मुनासिब है, जो आप कह रहे थे वो मुनासिब नहीं, ये मेरे ना बोलो जी, ये जेडी खच है किधर है, इसका मतलब है सैयदादा बच्चा शरारत करे तो बुजुर्ग भी कहता है ये चवल किधर है, ये खच किसका है, ये किधर है। मौलवी हम पे इतराज करता है, कहां माइनस कहां मातम, अपने प्यो का है तो एक मरतबा कुरान सर पर रख के बता, यजीद ने इस्लाम में इतना गंद डाला, एक बार तो पूछ किधर है। सबके दावा बाबा जी मेरा हक बनता था, मैं चुप रहता, मेरे पीर मुझे वादा करते रहते, 2-3 लम्हे और जाया हो जाते, लेकिन क्योंकि मैं शहीदों का नौकर हूँ, मैं चोर नहीं हो सकता, मैं आपकी दुआ के लिए अपना टाइम जाया नहीं कर सकता, मैं चूंकि आपकी नौकरी के लिए बैठा हूँ, इसलिए मुझे चाहिए कि या नारा लगे या फजाइल हो या मसाइब हो, तीसरी कोई फजूल बात नहीं हो जाइए, हत्ता के नारा बड़ा था खून तर्रा कर लगा जी, अव्वल से लेके आखिरी सैयदादा, आप आसिफ शाह जी आप एंड में बैठे हैं, आखिरी सैयदादे तक जिसके कलेजे में जितनी अली की मोहब्बत है उतनी जोर से आवाज मुंबई तक आनी चाहिए, मौलवी जदीद ने इस्लाम में इतना गंद डाला, एक बार तो पूछ पंजाबी में एक किधर, वो अकेला अली है जो काबा फाड़ के सेंटर में आया, एक बार तो एक किधर। मौला आपको सलामत रखे, कामयाब हो गए पिछले साल ना यूट्यूब पे फेसबुक पे आया था, शायद आपने सबसे देखा हो कि लैया चौक आलम में ना एक ऐलान हुआ कि छोटा गोश्त 50 रुपये किलो। बाबा जी सुन छे हैरान नहीं हुए, 11-12-1300 हो, कल मुझे बंदा कह रहा था 13.5 हो गया। बाबा जी कभी शहीदों के घर से कभी घर से, हमें तो हुसैन का लगकर मुझसे मिल जाए, तो बड़ा कहते महंगा हो गया।
तो बाबा जी उसने कहा आज भाई बिना अरबी में तीन चार कसाई पहुंचे, चेक तो करिए मतलब कोई और ही शायद होगा, ये कह रहे बकरा है। बाबा जी ने टोला तो बकरा ही था। खुदा के बंदे ये क्या बारह, उस वक्त 1100 था, 1100 में तू कह रहा 50। उन्हें बाबा जी अगली गल की सारे पिछा हो किसे ना लिया। इस जुमले के उत्ते दात थोड़ी आए समझा जी जरूर गल क्यों इतना सस्ता है। वो कहता जी बात यह है किसे ना किसी काफिर ने दिबा किया है। सारे कसाई पी चढ़ गए, माड़े मस्कीन बंदे पाकिस्तानी सादे हैं मैं, लेकिन लालची इतने नहीं है कि मैं दीन नहीं छोड़ते, क्योंकि जो काफिर ज़िबा करता ना बाबा जी वो बकरा भी कुत्ता हो जाता है बाबा जी, या फिर जिस बकरे पे छुरी चलाते हुए अल्लाह का नाम ना लिया जाए बाबा जी वो नजस है, वो हराम है, बच्चे बच्चे को पता। वो कहता है खुदा के बंदे अगर ये काफिर का जबिया है तो गवर्नमेंट तेरे पे रिट करेगी, इन्हें चुप के परा छोड़ के कुत्ते खान जिन्ना वाला है, तुझे नहीं पता ये नजस है। काफिर का जबिया शिया सुनी भाइयों मुसलमान पे जायज नहीं, हराम है और नजस है। बाबा जी दाद थोड़ी चाहिए लेकिन ब्याज दिलों सारे हो गए। हे मौलवी साहब ये 12 साल मोहम्मद अबू तालिब की हांडी खाता रहा, ये सईदा के घर के भी गोश्त नहीं सी पकया। हाय हाय मौला आपके सलामत रखे जी, सदके जावा। बाबा जी मैं जुमला कहूँ, मैं गोश्त पकड़े का जुमला कहूँ, खुदा की अजमत की कसम सईदों की कसम, जहां जहां पढ़ के आया हूँ अबू तालिब के मौलवी पे कुरान पाक की कसम रिकॉर्डिंग देख रहे, मैंने ये जुमला नहीं पढ़ा। आपकी बरकत से जुमला जहन में आया है, आपके बाद फिर जाऊंगा तो फिर हो सकता है आपकी दुआ के सदमे पढ़ू, पहले नहीं पढ़ के आया जुमला पढ़ू मैं। बाबा जी 7 दिन पाक मोहम्मद मुस्तफा की आमद की खुशी में, क्योंकि सरकार के अपने बाबा दुनिया से जा चुके थे और अबू तालिब ही सरकार के बाबा थे, बड़े बड़े अबू थे, ताया जी थे, बड़े अंकल थे, क्योंकि अब्दुल्ला तो जा चुके थे, इसलिए बाप की जगह कौन था, अली का बाबा। सरकार ने पूरे शादी सारे बोला पूरे 7 दिन पूरे मक्का को अली के बाप ने मोहम्मद का सदका उतार कर मुफ्त में बकरे खिलाए। मौलवी का पूछ देख, मौलवी हाथ धो गई, तुझे हलीमा की बकरियां याद है, अबू तालिब के बकरे भूल गया। जी सरकार जी बाबा जी, मौला आपको शादी सलामत रखे, अगर से आखिर तक हर लाली पूरी कुमे से हाय नारी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, सही दादा मेरे भाई। बाबा जी शादी मैंने आपसे काफी गुफ्तगु किया मजे से हट के भी, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने आपको इल्म अता किया, मारफत दी है। आप मुझे इजाजत दें कि एक मिसाल और दे लूं इसी कल्चर की, आप समझ रहे कि बच्चों को फायदा हो रहा है। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। शाह जी मैं आपके सामने आपका पुत्र बैठा हूँ और मैं एक चिट्टा अनपढ़ बंदा हूँ, वैसे हूँ भी अनपढ़ लेकिन बाबा जी मुझे लगी भूख, जेब में सिर्फ 50 रुपये। मैंने देखा यूनिवर्सिटी के पास जहाँ से गुजर करने वहाँ 2-4 दुकानें भी हैं ना, तो वहाँ के पकौड़े वाले दुकान है बाबा जी, मैंने उससे 50 के लिए बिको। बाबा जी उसने कागज में रखा, मैंने खाना शुरू किया। आज मैं निके निके पुत्र बैठे तो हालत में बेटा आप मुझे ये बताइए कि पुत्र जिजकना नहीं बोलना है मेरे साथ, आखिरी पकौड़ा खाने के बाद मैं कागज को चूम के जेब में डालूंगा, मासूम बच्चा कह रहा है कि फेंक दे। और 2 बच्चे परेशान हो बने, असी तो सियाणा समझ के नहीं सुनने आप, यकीन करो तुम्हें परेशान होते, देखो बच्चे कितने तेज रहे, दरमियान वाला ऐसे कह रहा है उन्हें पता मौलवी आप हाथ ना गल करते इन समझ भी हाथ नहीं आता। बाबा जी देखो बच्चे कितने तेज रहे, वो कहता है फेंक दे। बाबा जी सुना इंजे कह रहे फेंक दे। बाबा जी फर्ज कीजिए, मैं बंदा न पढ़ूँ, फर्ज कीजिए कि उसके ऊपर लिखा था मोहम्मद मुश्ताक और इस बेवकूफ उल्लू ने अनपढ़ था अंधा था इसने फेंक दिया। कुछ देर के बाद अमीर हुसैन का कोई सैयद आया, वो गुजरा, उसने देखा कि नीचे कागज गिरा है मोहम्मद लिखा हुआ है, बाबा जी उसने नहीं उठाया, उसने फौरन बाबा जी ऊपर की तरफ देखा कि किसी सोहनी जगह थे पंजाबी जगह इन्हें टोक दिया। बाबा जी इसका मतलब यह है ना कि हर अकलमंद जानता है मोहम्मद को रखा ही ऊंची जगह जाता है। बाबा जी इसका मतलब है यहां तक आप अपने पुत्र के साथ आ रहे हैं, आप फिक्र सुनिए लिखा क्या है बाबा जी मोहम्मद, मैं जनाब का जो नौकर हूं मेरा नाम है ज़ैगम। बाबा जी आप एक कागज पे लिखे ज़ैगम मुश्तबाई,
लिखने लिख के बाबा उसे माइक के ऊपर बांध के ऊपर टेप कर दिया और टेप करने के बाद बड़ा डंडा पकड़े और बाबा जी पढ़ेगा ये बाबा जी इसम है ये जिस्म है भाई पुत्र जी मैं थोड़े पास इन्हों सारा पता है मैं हिल हिल के पसीनो पसीनो के थोड़े पास मिनट कर रहा बेटा जो ऊपर लिखा है ये इसम है जिसे आप नॉन कहते हैं इसम है और पुत्र ये जिस्म है मजलिस जिस्म पड़ेगा इसम नहीं पड़ेगा इसका मतलब बाबा जी इसम से ज्यादा किसी का इंपॉर्टेंट जिस्म है बाबा जी मिसाल देता हूँ आप मेरे नाम को फाड़ दें टुकड़े करके फेंके तो क्या मेरे भी टुकड़े हो जाएंगे नहीं होंगे ना इसका मतलब है इसम उस एतबार से हल्का है इंपॉर्टेंस के एतबार से और जिस्म उससे आला है इसम मजलिस नहीं पड़ेगा बाबा जी जिस्म मजलिस पड़ेगा इसमें मोहम्मद को अकलमंद सैयद ने ऊपर रखा मौलवी हद हो गई एक आम सैयद जो ना नबी है ना इमाम है ना वली है एक आम गैर मासूम सैयद को पता है इसमें मोहम्मद कहाँ रखना है अल्लाह को नहीं पता कि जिसमें मोहम्मद कहाँ रखना है आपको सलामत रखे बाबा जी ये तोहीन करते हैं अल्लाह की जो मेरे मुर्शिद अली के बाबा पे बोलता है ना बाबा जी गुस्ताख वो अल्लाह की तोहीन करता है ते एक गल जरा तुसी भी ध्यान नाल सुन लो ये थोड़ी जी कौड़ी गल जे ते तुहानू कौड़ी सुन के भी विचों मजा आना है वो मैं तुसें दसना कि नहीं आ जिहड़े तुसी शिया ना फलां भी भाग गया मैदान से भाग गया आंदे को नहीं और कई तो ऐसे थे कि वो चौक में जाके बीवी से कह रहे थे भैन जी मदीना किथे ये हमने सही तो सुना हुआ है मोमन बड़े फिर जरा गर्म इलाज के होते हैं ना भज गया सी फलाना बंदो तो वो तो लड़े नहीं कर अल्लाह के बंदो ब्रेक पे पाँव रखो वो खुदा के बंदो सारे बंदे बुजदिल नहीं थे उन्होंने देखा लगा जी कितने कितने बैठे हो तो किमें सुनते हो सारे बंदे बुजदिल नहीं थे असल में मजबूरी ये थी कि मैदान में जाके बताना पड़ता था मेरा बाप कौन है ओए होए सबको जाना ये अरब में रिवाज था बाबा जी ये अरब में रिवाज ये जो आप हर जंग में सुनते हैं ना कि अली ही आगे था उसकी वजह ये थी कि सैयद सीने पे हाथ मार के बोला मैं हूं अबू तालिब का बेटा बाबा जी सुन रहे ये खुदा की तौहीन करता है वो शख्स सैयद आदम जो इमाम अबू तालिब पे बहस करता है बाबा जी एक और मिसाल देता हूँ ताकि अब मैं जो मिसाल दूंगा पहले जो मिसालें थी वो लोकल लेवल पे थी अब बाबा जी मिसाल देने लगा मैं लोकल लेकर प्लस कुरान कुरान की तईन उस मिसाल के साथ हूँ जो पहली दो थी नौज मिला ये नहीं कि वो गलत थी बिल्कुल आए मुताबिक वो नेचर के मुताबिक थी अब मैं आयत के मुताबिक बात करने लगा हूँ बाबा जी फर्ज कीजिए अमीर खान का कोई सैयद है और उसके दो दोस्त हैं एक कोई मोमिन उमदी है और एक फर्ज कीजिए ईसाई है मसलन वो कह रहे मुस्लिम है या कोई ऐसा है जिसकी वजह से शादी मजबूरी से दोस्ती करते हैं किसी भी वजह से उनको पता चला कि फलां सैयदजादा अमीर हुसैन का है और वो इंग्लैंड से वापस आ रहा है उन्होंने अपनी अपनी तौफीकात के मुताबिक कॉल की शादी आ रहे हो बाबा जी मैं तो निकम्मा कैसे वो तो कर दे ठीक ही कर दे दूसरे निकाल के बाबा जी एक गल मैं भी आखी सी ठीक है तेरा भी हो जाएगा अब शादी को किसी वजह से लेट आना पड़ा शाहजी ने कहा यार मैं तो जाऊंगा 15-20 दिन के बाद तो वो अभी मांगते फिर शाहजी ने उनकी दोनों चीज़ें ली उसे बाबा जी गिफ्ट में रखा बैंक किया शाहजी TCS करवा दिया वो चीज़ें क्या थी मसलन मिसाल दिया एक ने शाहजी वो ताश मांगा था जो प्लास्टिक कवर का ताश होता है ना बाबा जो आमतौर पर खराब कम होता है मैं खेड़दाने ने देखा ना मजाक वाले मौलवी आप खेड़ा लिया प्लास्टिक का बाबा जी कवर होता है ना वो खराब जरा देर से होता है एक ने कहा था कि शादी आप जब करबला गए तो आपके पास तस्वीर थी मौला हुसैन की वो मेहरबानी अपने इंग्लैंड वाले घर ना छोड़ के आ जाए वो मेरे पास रह दे शाह ठीक बाबा जी जब गिफ्ट भेजा ना सैयद दादा शादी ने इंग्लैंड में अपने किसी दोस्त से कहा कि यार ए ना ही तो आ पता ही आ दो शामा गल छड़ी उस दोस्त को लिखने में मुगालता हो गया बाबा जी उसने ताश वाले को तस्वीर भेज दी भाई जान तस्वीर वाले को अब बाबा जी मेरा ख्याल है आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब वो ताश वाला तस्वीर देखेगा तो बाबा जी परेशान हो सकते अगर गल की रखेगा मेरे ख्याल ना उन्हें आखना यार हम शाहरी ने की बंदा कि हम सैयद ने सैयदा को कुछ आखना भी गुनाह है लेकिन शाहरा की बात सही है इन्होंने जो पता है मैं कभी ईद की भी नहीं पढ़ी मेरे किसका
काम में? मेरे किस काम में? मैं तो कभी नमाज पढ़ता है, इसलिए शासन ने ये क्या किया? मेहरबानी करा करो, कभी कभी कौड़ी गल भी सुन लिया करो। छठे मौला फरमाते हैं, इस्लाम और कुफर के दरमियान हद फासिल का नाम नमाज है। नमाज बताती है ये सलाम है और ये कुफर है। ये एक सौड़े ना बहुत गल कर ली है, अपने पुत्र को जरा जवाब दें कि जो इतवार वाले दिन ढोलकियों पे इबादत करते हैं ये कौन है? अल्लाह का सलामत रखे। और जो पत्थर के सामने जाके राम राम भगवान भगवान करते हैं ये कौन है? अल्लाह को सलामत रखे। और जो ऐसे क्रिक लगा के वो पगड़ी से बांध के गुरु नानक के वाहे गुरु की जय ये करते, ये कौन है? मतलब सारे बंदे सहने बैठे हुए। ये जो यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं ये कौन है? पहले मौला आपको सलामत रखे। और जो जरा नाफ के नीचे बांधते हैं वो कौन है? मौला आपको सलामत रखे। और जो हाथ खोल के पढ़ते हैं वो कौन है? ते जेड़ा कख नहीं करता है केड़ी बला है? बाबा जी नाराज नहीं है? बाबा जी हिम्मत, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं भाई? वो क्या चीज है? सदके जावा, इसका मतलब बाबा जी उसका कोई दीन नहीं है। नाराज नहीं होना, हक सच की गल है। नमाज वाजिब है, बेशक नमाज वाजिब है। सारे चुप कर जो, नमाज वाजिब है। इतों उठ के करो घर तुर जाओ फिर भी। बाबा जी ताश वाले ने तस्बीह लेके क्या कहा? शाह जी ने मेरे साथ मजाक किया है, इनको पता है कि मैंने कभी ईद की भी नहीं पढ़ी। और वो जो बाबा जी तस्बीह वाला था उसके यहाँ जब ताश जाएगा तो सारे आखना जी सारा बेशुमार आखना है। मेरा ख्याल है वो यही कहेगा कि यार बाबा जी को कोई लेखा या इश्तबा हो गया है, शाह जी को पता है कि ये तो यजीदी फेल है और यजीद पे कल भी लानत थी आज भी। बाबा जी अब मुझे सिर्फ इतना मेरे पीर मुर्शिद बताएं, मेरे मातमी भाई इतना मुझे बताएं कि ये जो दोनों थे ताश और तस्बीह वाले, ये दोनों फिर अच्छे वाले राजी हो गए? नहीं, नहीं। क्यों है ना बाबा जी नाराज? बाबा जी वजह, क्योंकि जो चीज आई थी वो उनके मिजाज के मुवाफिक नहीं मुखालिफ थी। जिसका मिजाज तस्बीह था उसके पास ताश आया तो वो नाराज। बाबा जी जिसका मिजाज ताश था उसके पास तस्बीह, तो इसका मतलब है जब चीज मिजाज के खिलाफ आती है तो नाराजगी हो जाती है। और खुदा के बंदे तू अकल से काम नहीं लगा, तू कुरान की मुखालफत कर रहा है। दुश्मनी अली में, दुश्मनी अबू तालिब में, अल्लाह कुरान में कहता है अलग यजद का यतीम फादा, हबीब तू यतीम था हमने तुझे अपनी गोद ली सैयदादा। नतीजा क्या निकला? जैसे मोहम्मद का मिजाज बाग था वैसे अबू तालिब की गोद बाग गई।